चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वकास शेख, मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। वकास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है, तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं जरूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो जरूर दुरुस्त करूंगा, मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी MNA बन के सहवान का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है सर। तो एक मैं इनकी तारीख दुरुस्त करूँ, पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी, हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन जैसे हैं, जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे, अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूंगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुजुर्गों को शर्मिंदगी होगी। टीवी बुजुर्ग कोई नहीं, और बैठ जाओ, वेट पे करते हैं, हैं? टीवी बुजुर्ग कोई नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उल्टा दे दिया, बुजुर्ग कितने आ, बड़ा ने उल्टा दे दिया। अच्छा चुप करके बैठ जाओ भाई, जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको पार्टी के मुसाबत की जरूरत तो है नहीं, ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना आगे आपका ये नामुनासिब है, ठीक, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। चीखने चलाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों, तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों के, क्योंकि ये मेरी ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर है, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ।